कर दो, स्टार्ट कर दो। सुनो भाई तारीफ। सबसे पहले तारीफ की बात करूं तो मैं विराट सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने पूरा अपना राजस्थान घुमाया, और राजस्थान घुमाने के बाद में आज हम बहुत बड़ा काम के लिए आए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि रैली भर्ती नहीं आ रही है। सेकंड बात, बहुत बंदे नर्वस हो रहे हैं कि यार 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और आज तक भर्ती नहीं आई। बात करेंगे सबसे पहला जिलों और आरओ की बात करेंगे। झुंझुनू में बराबर 3 साल की भर्ती नहीं आ रही है, और आज विराट सर, मैं और हमारी टीम के साथ में बड़ा भैया और बाकी लोग उधर भी हैं, सभी लोग इंदौर से सीधे हम राजस्थान आए थे। कम से कम 800-900 किलोमीटर आए थे। और सेकंड बात, हमने पूरा ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के बाद में मंत्री जी से मिले, पूरा घेराव रहा, और वहाँ पर तमाम राज्य से दोस्त लोग भी आए थे, बाहर लोग आए थे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। और हमने बोला है कि यार भर्ती करवाओ, एक किसान का बेटा और गरीब का बेटा, और हम जैसे ही लोग आर्मी में जाते हैं जो घर से बहुत असक्षम होते हैं रुपये वगैरह में। तो विराट सर आप क्या बोलना चाहोगे, जैसे हमारे संदीप सर भी आ गए हैं, विराट सर क्या बोलना? देखो भाई, पूरी टीम आ गए सारे के सारे, और जैसा ज्ञापन रहा, माहौल रहा, लगता है कि ऐसे अगर आवाज़ उठेगी लगातार तो भर्ती आएगी आएगी। कहाँ जाएगी भर्ती? आना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगी भाई, देख लो कहाँ, 800-800 किलोमीटर दूर से राजस्थान, नहीं तो ये भरपण करने आते क्या? लेकिन बच्चों के लिए ऐसे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये देखो रियल ग्राउंड में, जब यहाँ इतने दूर से लगभग 15 घंटे से ट्रेवल कर रहे हैं। हम तो वो इंसान है भैया, भर्ती नहीं आएगी तो आप बोलोगे कि सर वहाँ ना, वहाँ आएंगे, भर्ती आना चाहिए। 15-16 घंटे लगातार ट्रेवलिंग, आँख की सूज रखी है, अभी खाना कुछ नहीं खाया। पंद्रह घंटा सुनो मेरी बात की, सुबह कल शाम को 7 बजे निकले थे ग्राउंड के बाद में, मतलब लोगे नहीं लोगों को कि ग्राउंड नहीं करवाया, ग्राउंड पूरा करवाया। 7 बजे निकले वहाँ से, और कितने बजे आए आपके यहाँ पर? सुबह 9 बजे। वो यहाँ तो 1 ही बज गए, नहीं वहाँ 9 बजे पहुँचे, यहाँ पे 12 तो यहाँ बजे तो लगातार चल रहे ना, वहाँ पहुँचने तो मतलब 15 घंटा हो गए, मतलब समझाओ 15-16 घंटा भाई। देखो आप लोगों के लिए क्या बोल, अब इसमें मत बोल देना कि हमारे लिए क्या किया भाई, इनका बहुत क्रेडिट बहुत कम देते हैं ना, इनको लगता है भाई इतनी दूर चलना भी आसान बात नहीं है। ठीक है, ले लेते हैं एक चीज़ और, ले लेते हैं। तो ऐसे अगर मान लो लगातार काम चल रहे हैं इधर भी, और भी बोल रहे हैं कि सब जगह होगी धीरे धीरे मीटिंगें, तो जल्दी मीटिंगें क्या होगी? हाँ कार बता देंगे तो होगी होगी भर्ती भाई। इंदौर मान लो, इंदौर वाले तो कभी भी बुलाए तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल है इंदौर, तो इंदौर में तो ना जाओगे तो सुमारी किससे लोगे? नहीं इंदौर तो मैंने इनको बोला कि भाई मेरे फूलों से होती है स्वागत, देखिए ना तो इंदौर तो मैं तैयार बैठा हूँ, इंदौर तो कभी बुलाओ भाई, कभी हमारा स्वागत करवा दो राजस्थान में फूलों से यार। अरे अभी करवा देंगे, अरे क्या करवा दो, पानी लगवाओ। देखो भाई इनको इनको इनके इनके लिए स्वागत सॉन्ग गा देते हैं, होंगे ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, सुनो सुनो। इनके स्वागत में वो राजस्थान के बारे में बताते हैं, कट कट शेखावाटी है तो कट बोली मारवाड़ी, जयपुर की सिटी गुलाबी मारी राजधानी, करू राम राम सा करू खमा गनी, आओ साथ जिमो साथ चुरमो दाल बाटी, इफ यू वांट सम मोर कम टू रन थंबोर, यहाँ पैलेस है, यहाँ हाईनेस है, हेरिटेज भी यहाँ का सबसे फाइनेस्ट है, हर चीज में दिखता कल्चर, एवरीथिंग हाई क्लास, नथिंग वल्गर, लुक 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 माई ब्रदर, ही रिस्पेक्ट योर मदर, केसरिया बालम आओ जी, हमारी घूमर छी मारवाड़ी। चलो बढ़िया, राजस्थानी बहुत शौक है भाई इनके लिए। साथियों मुझे राजस्थान में आकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत वाकई में मतलब वीरों की भूमि है राजस्थान। यहाँ पर बच्चे के अंदर मैंने एक जुनून देखा, और यहाँ पर जो फीढ़ी है बहुत मेहनती है, कुल मिला के बहुत मेहनत करते हैं। और जहाँ पर आज हमने किया झुंझुनू, यहाँ पर तो ऐसे है कि ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जहाँ से फौज में, जहाँ पर फौज में नहीं है। और मैंने ये देखा वो सर फॉरेनर ने लिखा है राजस्थान के बारे में कि जब भी हम अगर एक पूरी दुनिया में एक ऐसी धरा है जिस पे अगर कोई चले और अगर किसी का पैर किसी से टकराए जाए तो वह ठोकर शोर किसी न किसी वीर की हड्डी की होगी। यहाँ इसमें कोई शक नहीं है, झुंझुनू और ये सीकर से लगता जितना भी क्षेत्र है, मान लो बाकी सब क्षेत्र में फोर्स में जाने लगे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि आज ऐसी कोई फोर्स में ऐसी कोई रैंक नहीं होगी या ऐसी कोई फोर्स नहीं होगी जिस फोर्स में यहाँ का जवान है। हर महीने सर शहीद आ जाता है, हर महीने में एक बार। अभी भी 2 दिन पहले आया है लगातार, और फिर भी जुनून देखो, ये अभी तो शहीद आया शायद लक्की लक्की ऐसा कुछ शॉर्टकट नाम था उसका, अपने इससे आया गुडागोड जी से, वो गुडागोड के गुडागोड से, और अभी इससे पहले हमारे उधर पास में आया भाई, सिकर में भी आया था, बन्ना बन्ना था सबसे ज्यादा यही का वो, हां बीएसएफ में था वो, मेरे गांव का ही जितावा का आया था ना वो भी उधर बगल से।